आप सभी का स्वागत है फिर से उपाध्याय टीचर एजुकेशन के अंदर और यहाँ पर हम शुरू करने वाले हिस्ट्री का एक चैप्टर जो कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर किसी किसी की किताबों में ये हरपन सिविलाइजेशन के नाम से लिखा है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, दोनों बातें एक ही है। क्यों एक ही, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं। यहाँ पर शुरू होती है हमारे इंडिया लोगों की कहानी, मतलब हम लोग कैसे आए, हमारे धर्म कैसे, आपकी जो क्लास नाइन्थ में हिंदुज़म जैनिज़्म इन सब के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे क्लास नाइन के अंदर। ठीक है, आगे भी बात करेंगे, मतलब ये जो चैप्टर कंप्लीट होने 10 to 9 जो जितने भी चैप्टर्स वो सब कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको यूरोपियन इन्वेडर्स कुछ लिखा गया है उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो सब बात करेंगे आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर द हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर। सबसे पहले हुआ ये कि जो हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब के अंदर का जो वेस्टर्न पोर्शन है ये वाला साइड जहाँ पे अमेरिका यूके यूरोपीय सारे साइड से और यहाँ पे जो एशिया वगैरह था, ठीक है, तो जो यूरोपियंस थे या फिर जो वेस्टर्न साइड्स वाले थे वो बोलते थे, जैसे बोलते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर थोड़ा अलग है हमसे। क्यों बोलते हैं? इनकी वजह से। इन्होंने बोला ये कि जो वेस्टर्न कल्चर वाले थे यूएसए बोले कि जो सिविलाइज्ड मैनर है, जो सिविलाइजेशन है, जो कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं, वेस्टर्न वाले ये कहते थे कि हम जो सिविलाइज्ड है वो सिर्फ वेस्टर्न साइड ही सिविलाइज्ड है, जो ईस्टर्न साइड है वो इलिटरेट है, वो गवार है। ठीक है, ऐसा उनका कहना था। बोलते थे कि यहाँ पे तो सिविलाइजेशन है, कई लोग ऐसे ही मतलब ऐसे ही फालतू से लोग हैं, लेकिन भाई अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हमें देखा जाए तो हम देखो कितने ज़्यादा सिविलाइज्ड है। लेकिन इन सब बातों को मुंह पे चमाटर मारने के लिए जो सिविलाइजेशन आया था वो था द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस मतलब क्या होता है, इंडस हिंदी का मतलब होता है सिंध। सिंध एक थे अलेक्जेंडर, कोई आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो इंडिया के पोर्शन वाला जो साइड था, मतलब जो मैप पे अगर देखे जाएंगे तो ये जो जहाँ पे रवि नदी थी, ठीक है, वो वाले साइड को ये बोलते थे इंडस। इसकी वजह से ही इंडिया का नाम इंडिया पड़ा था, इंडस की वजह से ही इंडिया का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, सो वो बात की बात है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये वेस्टर्न वालों के मुँह पे चमाटा के लिए आया था, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये अर्बन्स थे। अर्बन से यानी देखो सिविलाइजेशन की सबसे पहले बात करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से शुरुआत करते हैं। सिविलाइजेशन, ये जो टर्म सिविलाइजेशन है ये एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड से, एक ऐसा लैटिन वर्ड जिसका मतलब है, जो लैटिन वर्ड है वो है सिविस। सिविलाइजेशन कौन से वर्ड से आया? लैटिन वर्ड सिविस से। सिविस का मतलब क्या है? सिविस का मतलब है समवन हु रिसाइड्स इन टाउन। मतलब समवन हु रिसाइड्स इन टाउन का मतलब, समवन हु रिसाइड्स इन टाउन का मतलब वो लोग जो कि शहरों में रहते हैं, जैसे हम आम भाषा में शहरी बोलते हैं, तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है शहरी लोग, थोड़े अच्छे कल्चर वाले, थोड़ा अच्छा व्यवहार रखने वाले लोग दूसरों से। मतलब अब मान लो, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट जैसे गाँव में जब भी कोई बाहर से आता है तो वो लोग क्या कहते हैं, अरे देखो शहरी आया है, मतलब ये थोड़ा सिविलाइज्ड है, थोड़ा लिटरेट टाइप का लग रहा है उनको, इसलिए वो बोलते हैं कि सिविलाइज्ड है, ये क्या है, शहरी है। तो उसीलिए जो टर्म है सिविस एक सिविलाइजेशन से बना हुआ, मतलब सिविस का मतलब क्या है? सिविलाइजेशन, जिसका मतलब होता है समवन हु रिसाइड्स इन टाउन। सो हम बात करने वाले हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस जो वैली है उसके अंदर सिविलाइजेशन कैसे हुई, कहाँ हुई। ठीक है, आई होप ये सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा मतलब समझ में आया होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कौन सा था, मतलब क्या टाइम था जब हमें पता चला कि अच्छा इंडस सिविलाइजेशन शुरू हो गया है, पता तो लगाना चाहिए ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि उन्हें तो एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चल सका, किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, सिवाय जो चीज़ें आम लोग देख रहे हैं उसे। वो पुराने ज़माने में जो थे वो तबाह हो गए, इसलिए तो हमें अभी तक बस जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि अच्छा ये सब चीज़ें भी थी, क्योंकि हड़प्पा में पाई गई थी, इसलिए इसे कहना हड़प्पा सिविलाइजेशन भी होता है, वो बाद में बात करेंगे। ऑरिजिन की बात करें तो कुछ परफेक्ट है नहीं, कि कोई है नहीं, बट फिर भी बोला, अनुमान लगाया गया कि ये जो था ये 3 to 50 BC से लेकर 2750 BC तक चला था। ठीक है, ये दो डेट्स याद रख लेने हैं, कहाँ से शुरू होता भाई, तो ये इन दोनों से। अब बीसी का मतलब क्या होता है? बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट से पहले वाले टाइम में 3 to 50 से लेकर 2750 BC तक ये चला था ये सिविलाइजेशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसका नाम हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों नहीं पड़ा, मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? कभी कभी किसी किसी बुक में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा है, किसी किसी बुक में हरप्पन सिविलाइजेशन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके जो सबसे ज़्यादा जो सब मतलब कंकड़ जहाँ से पता चला कि हाँ यहाँ पे कुछ तो था, तो वो एक ऐसी जगह थी जो था जिसका नाम था हरप्पा। ठीक है, तो हरप्पा से हमें पता चला कि अरे भाई ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ था, पहले रहा करता था। जब साइंटिस्ट लोगों ने इसका एग्जीबिशन किया तो हमें पता चला कि अरे हरप्पा में ये सारी चीज़ें मिली, जिसका जो बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ पर चला करता था, और हरप्पा जो है इस वजह से इसका नाम पड़ गया हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन।
मतलब हड़प्पा के अंदर हमें क्या बोलते हैं उसे, हड़प्पा के अंदर हमें एविडेंसेस मिले, ठीक है, कि यहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए इसका नाम हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन भी लिख दिया, ठीक है। सो हमें पता चलेगा कि वेस्टर्न वाले लोग खुद को क्या कहते थे कि हम बहुत सिविलाइज्ड हैं, लेकिन इन सबके मुंह पे तमाचा मारने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था। ये जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ये पहले से ही अर्बन थे, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर पहले गाँव हुआ करता था, ठीक है, विलेजेस, उससे बना है शहर। ये जो लोग थे उससे बोलते हैं गाँव के लोग, अभी आकर शहरी हो चुके, राइट, अभी वहाँ से उठकर यहाँ पर आ गए। लेकिन अब यहाँ से जो मतलब ऐसा होता है ना कि वहाँ पहले गांव में रहते थे, हमारा हमारे पूर्वज गांव में रहते थे, फिर वो शहर में आए, फिर शहर में अब रह गए तो हम शहरी हो गए, लेकिन हमारा ओरिजिन तो गांव का है। लेकिन ये जो लोग थे ये पहले से ही शहरी थे, ठीक है, ये क्या थे, सेल्फ मेड शहरी थे, मतलब अर्बन थे, इसलिए उनको बोलते हैं अर्बन सिविलाइजेशन भी कह लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलिए बात करते हैं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये फैला कहाँ कहाँ तक था, तो इनके सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएंगे पंजाब, ठीक है, लिखिए पंजाब, सिंध जो कि अभी पाकिस्तान का पार्ट है, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, मतलब वेस्ट पूरे यूपी नहीं, यूपी के कुछ कुछ वेस्टर्न वाला पोर्शन में भी कुछ कुछ पोर्शन, ठीक है, तो वेस्टर्न यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक बलूचिस्तान, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का पोर्शन है, ठीक है। सो पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और बलूचिस्तान, यहाँ पर बोला जाता है कि इन्हीं सब एरियो के अंदर हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो रहा, ठीक है। और बात करें तो हमारे पास है एक रवि नदी, ठीक है, सॉरी रवि नहीं, रोपार नदी, ठीक है। सो रोपार जो है ये नॉर्थ में है, ये जो रिवर है ये नॉर्थ में है, तो बोला जाता है कि रोपार से लेकर नर्मदा और तापी नदी तक जो कि साउथ में है, ठीक है, मतलब नॉर्थ से साउथ तक, रोपार से लेकर नर्मदा और तापी तक, और साथ ही साथ मेरठ से लेकर, जिसे मेरठ भी कहते हैं, तो मेरठ से लेकर हमारे पास बलूचिस्तान तक, मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ये जो सिविलाइजेशन था ये फैला था। मतलब देखा जाए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों तरफ से ये सिविलाइजेशन जो था वो फैल चुका था। सो नॉर्थ में कहाँ, रोपार से लेकर नर्मदा और तापी नदी तक, और वेस्ट में मेरठ से लेकर बलूचिस्तान तक। मेरठ में भी गंगा यमुना नदी के बारे में जिक्र किया गया, और बलूचिस्तान में भी एक मारकरा का कोस्ट है, जो भी हो वो नदियों की बात हो रही है, ये भी नदी, ये भी नदी, ये भी नदी, ये भी नदी, लेकिन आपको बस याद रखने के लिए इतना याद है कि मेरठ से बलूचिस्तान तक और उपार से नर्मदा और तापी तक, यहाँ तक ये सेंटर्स जो था ये फैला हुआ था। लेकिन इन सेंटर्स में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वो थे हमारे दो, ठीक है, कौन कौन से, एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन, और फिर दूसरा था मोहनजोदारो, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, चलिए बात करते हैं हड़प्पन, हड़प्पा और साथ ही साथ मोहनजोदारो के बारे में, और मोहनजोदारो के ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है ऋतिक रोशन की और पूजा हेगड़े जी की। सो आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, छुट्टियाँ चले तो देख लेना, उसके अंदर आपको पता चले मोहनजोदारो में क्या क्या था। मतलब जितने भी आप सब बुक्स में पढ़ते हो ना कि ऐसा था वैसा था, वहाँ पर ग्रेट बात भी दिखाया गया, ठीक है, उस मूवी के अंदर। सो ग्रेट बात के अंदर जब बात आएंगे तो उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, अभी देखते हैं यहाँ पर। और एक और बात, मैंने शायद मेरठ को वेस्ट लिख दिया था, वो ईस्ट है, ठीक है, तो ईस्ट से लेकर बलूचिस्तान जो कि वेस्ट में है वहाँ तक, ठीक है, ओके। सो हड़प्पा की बात करें तो बोला जाता है कि 1921 के अंदर इसे फाइंड किया गया था, और इसे 1922 के अंदर, मे बी ये चीज़ आपकी बुक में ना लिखी हो ये वाले पोर्शन, लेकिन आपको बस ध्यान में रखना है। तो आपकी बुक में नहीं पता, आपकी बुक में शायद लिखा है कि सर जॉन मार्शल ने इसे फाइंड किया था, मोहनजोदारो और हड़प्पा ने, बट अगर असली में बात करें तो 1921 के अंदर हमारे इंडियन दयाराम शाहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को, जहाँ पे उनके एविडेंसेस थे, उसे फाइंड किया था, और मोहनजोदारो को आर डी बनर्जी ने फाइंड किया था, ठीक है, ओके। सो आपकी बुक में आई डोंट नो व्हाट
क्या लिखा है, बट असली में इसे दयाराम साइनी ने 1921 के अंदर पता मतलब फाइंड किया था, बोला कि हाँ यहाँ पे हरप्पा सिविलाइजेशन हुआ था, यहाँ पे एविडेंस है, इसी का नाम हरप्पा है। और 1922 के अंदर मोहनजोदारो को आरडी बनर्जी ने फाइंड किया था। अब देखिए हरप्पा बोला जाता है कि ये जो यहाँ पे जो भी हमें एविडेंसेस मिले एग्जीबिशन करने के बाद हमें जो एविडेंसेस मिले वो ये बताते हैं कि जो हरप्पा था ना वो वेल डेवलप्ड या फिर कह लो वेल प्लान्ड सिटी था। ठीक है, वेल प्लान सिटी था। और यहाँ के जो लोग थे ना इन ये ऐसे रहते थे कि इनका दिमाग में ये फिट था कि हमें भाई साफ़ सफाई रखनी है। ठीक है, तो और बोला जाता है कि जो हड़प्पा है ये एक कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि ये बाकी से शहरों से बहुत बड़ा था। ये जो हड़प्पा था ये कैपिटल था किस एरिया का, नॉर्दर्न पार्ट का। ये नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल था, नॉर्दर्न पार्ट कह लो या फिर नॉर्दर्न रीजन कह लो, इसका कैपिटल था। और ये काफ़ी बड़ा था, लार्ज था। ठीक है, ये इनफैक्ट कहा जाता है कि मोहनजोदारो से बड़ा तो हड़प्पा था। हड़प्पा किससे बड़ा था भाई, मोहनजोदारो से बड़ा था। ठीक है, ओके अब बात करते हैं ये मोहनजोदारो के बारे में। तो मोहनजोदारो की बात करें तो ये भी एक वेल प्लान्ड था, ये भी एक वेल प्लान्ड सिटी था। ठीक है, ये भी लार्ज था, ये भी कैपिटल था, ये भी एक कैपिटल था, लेकिन वो नॉर्दर्न पार्ट का था तो ये साउदर्न पार्ट का था। ठीक है, साउदर्न पार्ट का ये कैपिटल हुआ करता था। ओके, फिर कहा जाता है कि ये जो मोहनजोदारो इसके अंदर सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा कहाँ पे था, मोहनजोदारो के अंदर। ठीक है, और मोहनजोदारो का अगर हम लोग सिंध लैंग्वेज में इसका मतलब होता है माउंट्स ऑफ डेथ। ठीक है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, माउंट्स ऑफ डेथ। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा था, ये कैपिटल था साउदर्न पार्ट का, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा ब्लेंड सिटी था। यहाँ के जो रोड्स थे वो बहुत ज़्यादा वाइड थे। अब हाँ एक और बात, घबराने की कोई बात नहीं, मेरी हैंडराइटिंग देखकर तू अचंभित मत हो जाना। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको नोट्स अपडेटेड मिलेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, और आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे उनके ट्राई करेंगे नोट्स बनाने की, लेकिन मैं जो बोलती हूँ उसको आप सुनते जाइए, यहाँ पे सुनिए और लिखिए, और आपकी बुक तो सफिशिएंट है। ठीक है, सो अब आपको हरप्पा के बारे में सब क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ मोहनजोदारो के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या उसके बारे में देखते हैं। सारे सेंटर्स थे मोहनजोदारो और हड़प्पा के अलावा जो कि बुक के अंदर मेंशन है, जैसे कि चान्हुदारो जो कि सिंध में है, लोथल जो कि गुजरात में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, और साथ ही साथ अलामगीरपुर जो कि यूपी में है, और साथ ही साथ एक और था जो कि है मेठल जो कि हरियाणा में है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे, लेकिन उन सब में से मेजर दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर थे, वो हरप्पा और मोहनजोदारो। अगर आप बस ये दो याद करते हो तो भी आपका काम निकल जाएगा, अगले संडे आपको यूपीएससी की तैयारी ना करते हो। तो अभी एक क्लास 9th में हो तो ऑब्वियसली बस दो याद रखो, मोहनजोदारो और हरप्पा, उसके बाद आपका काम चलेगा। बात करते हैं कि मेजर एग्जीबिशंस क्या क्या, मतलब एग्जीबिशंस का मतलब क्या, आपकी खुदाई, जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें क्या क्या मिला। ठीक है, तो देखते हैं। या फिर ये कह लो मेजर फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अर्बन प्लानिंग, या फिर ये कह लो टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात जो अर्बन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड थे। ठीक है, इनफैक्ट वेस्टर्न कल्चर द्वारा मतलब कल्चर के जैसा इनको तुलना किया जाता था, बोलते कि ये तो उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो अर्बन सिविलाइजेशन जो मोहनजोदारो के जो लोग थे या फिर जो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम था, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था जो उनके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से फिट हो रखा था, जो कि आज के ज़माने में लोगों के दिमाग में है नहीं, मतलब उड़ चुका है, वो था ये कि इन्होंने साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान दिया, इन्होंने सैनिटेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया। ठीक है, इन्होंने साफ़ सफाई जो कि क्लीनलीनेस है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, इनके जो रोड्स हुआ करते थे बहुत ज़्यादा वाइड हुआ करते थे। अब कोई पूछे कितना वाइड, तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी बुक में मेंशनड है तो लिख लेते हैं। जो रोड्स हुआ करते थे वो 4 से लेकर 10 मीटर चौड़े हुआ करते थे, और जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी, ठीक है, स्ट्रीट्स
ये भी बहुत वाइड हुआ करती थी। स्ट्रीट्स जो है वो 3 से 4 मीटर लंबी हुआ करती थी और जो रोड्स थे वो 4 से लेकर 10 मीटर चौड़े हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम की बात अलग से करेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, लेकिन अभी देखें तो अर्बन सिविलाइजेशन के लोग, जो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उन्होंने अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छे से की थी। इन्होंने सैनिटेशन और क्लीननेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। इनके रोड्स बहुत चौड़े थे, स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा वाइड थी। और साथ ही साथ तीसरे पॉइंट ये है कि इन्होंने जो रोड्स के ऊपर बिल्डिंग जो मतलब रोड्स हैं, जैसे यहाँ पर आजकल इस ज़माने में मॉडर्न टाइम में क्या होता है, ये रहा रोड्स, ठीक है, रोड्स कह लो या फिर स्ट्रीट्स कह लो, तो स्ट्रीट्स के अंदर देखा गया कि यहाँ पर भी कुछ घर हैं, यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं, यहाँ पर भी दुकानें हैं, यहाँ पर भी दुकानें हैं, यहाँ पर बिल्डिंग बनी है, यहाँ पर बिल्डिंग बनी है। अब भाई एक गाड़ी मान लो गलती से घुस गई और एक और घुस गई तो बस हो गया यहाँ पे ट्रैफिक जाम, यहाँ पे लगा दो आधा घंटा। वैसे हमारे स्कूल में हुआ करता था कि ऐसे यही हाल था, एक रोड हुआ करती थी और यहाँ पे हमारा स्कूल था, भले हमारा स्कूल अंदर में था, लेकिन अब स्कूल है तो भाई दुकान वालों को तो मौका मिल गया, भाई स्कूल है, बाहर बच्चे निकलेंगे, यहीं पर दुकान लेकर बैठ गए थे ठेले वगैरह, ठीक है। तो अब हमारी बस जो थी वो स्कूल के अंदर घुसा करती थी और यहाँ से अगर मान लो बाई चांस एक गाड़ी आ गई तो बस हो गया, आधा घंटा लेट पहुँचते थे हम स्कूल। तो ये जो सिस्टम था वो यहाँ पर नहीं था, रोड्स के ऊपर बिल्डिंग नहीं बनती थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इनका कैसा था। दूसरी बात है हमारे द ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम। एक बात किसी ने नोटिस की होगी तो यहां पे हमने द लगाया है, द ड्रेनेज सिस्टम, क्यों? क्योंकि ये प्राचीन काल का सबसे ऐतिहासिक सिस्टम था। मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो ये BC की कहानी हो रही है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और ये है हमारा मॉडर्न टाइम, मतलब आज का जमाना, 21वीं सदी, ठीक है, 21वीं सदी। तो ऐसा बोला जाता है कि कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो उस जमाने का, उस हरप्पन सिविलाइजेशन के ज़माने का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो आज के जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर था, कुछ कम नहीं था ना ही कुछ ज़्यादा था। ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि आज के ज़माने में सब चीज़ों को परख के ही आगे चीज़ें बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली कम होने का कोई चांसेस है नहीं। लेकिन इसका और इसका तुलना किया गया तो उस जमाने में, इस जमाने में बहुत अंतर है, टेक्नोलॉजीज का बहुत अंतर है, टेक्नोलॉजी और वर्क जो मतलब जो आम आदमी है जितना काम करने के लिए चाहिए लेबर, उन सब का बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी दोनों कंपेरेबल था, सो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ड्रेन सिस्टम की बात करें तो यहाँ के जो ड्रेन्स थे, ठीक है, ड्रेन्स जो थे वो हर एक घरों में थे, हर एक घर के अंदर क्या थे, ड्रेन्स थे, ईच हाउस। नोट्स की चिंता ना करें, आपको टेलीग्राम के ऊपर नोट्स मिल जाएंगे। बात करते हैं जो ड्रेन्स थे वो हर एक घरों के अंदर थे, और ये जो स्ट्रीट, जो घरों के अंदर का जो ड्रेन था ना वो स्ट्रीट वाले ड्रेन के साथ कनेक्टेड हुआ करता था, ठीक है, स्ट्रीट वाले जो ड्रेन है उसके साथ ये कनेक्टेड हुआ करता था, और ये जो स्ट्रीट वाला ड्रेन है वो जाकर जो मेन ड्रेन है उसके साथ कनेक्ट हो जाता था। मतलब घर से पानी निकला, जैसे मान लो ये घर है, ठीक है, ये घर है, घर के अंदर से हर एक घर में ड्रेन्स थे, यहाँ से जो ड्रेन्स निकला वो जाके स्ट्रीट वाले ड्रेन्स के साथ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सभी घरों से ड्रेन्स आ रहा है, ठीक है, सभी घरों का कचड़ा कुछ जब भी है जो भी सब आ रहा है, यहाँ से निकलकर ये मेन वाले के अंदर घुस जाता था और यहाँ पर हो जाती थी इसकी सफाई, ठीक। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसे एक ऐसे रोड्स में, मतलब ऐसे जगह पर लाया गया था जहाँ से जो चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो या फिर चाहे वो वेस्ट हो, हर जगह से जो ड्रेन्स थे वो यहाँ पर आकर मिल जाते थे, ठीक है। और इनके जो रोड्स हुआ करते थे ना, रोड्स, तो रोड्स को भी कुछ ऐसे तरीकों से बनाया गया था उस ज़माने में कि चाहे नॉर्थ में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो ईस्ट में हो या फिर चाहे वो वेस्ट में हो, ठीक है, ये ईस्ट ये वेस्ट, तो उन्हें एक ऐसे तरीके से बनाया जाता था कि मान लो अगर नॉर्थ से हवा चल रही है तो ये सारे के सारे कचड़ों को एक साथ लेकर बहा देगी, हवा धूल मिट्टी जो है, मतलब जो भी गली से कूड़ा कचरा निकल गया उससे बाहर लेकर जाती थी, और ईस्ट से हवा चल रही है तो वो भी वेस्ट वालों की तरफ लेकर चली थी, सारी की सारी हवा, सारे के सारे घर के कचड़े जो भी रोड पर बिखरे हों उन सबको बहा के ले जाती थी, ये इनकी बात थी। और ये जो ड्रेन्स थे यहाँ, इनके जो ड्रेन्स थे वो मोर्टार से बने होते थे, ठीक है, मोर्टार से बने होते थे, और लाइम और जिप्सम का भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। बात करते हैं कि सिविक ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैसे हुआ करती थी, ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने एक बात का ध्यान रखा था कि चाहे वो कोई सा भी घर हो, चाहे वो कोई सा भी इंसान हो, उसके पास पानी पहुंचना चाहिए, तो इन्होंने एडिक्वेट वाटर फैसिलिटी के ऊपर ध्यान दिया था, ठीक है, मतलब हर घर में पानी पहुंचनी चाहिए,
ओके. सेकंड पॉइंट इन्होंने ये देखा कि हमें एविडेंसेस मिले कि इनके जो रोड्स थे, ठीक है, इनके जो रोड्स थे उसके ऊपर हमें हर कुछ इंटरवल के पास लैंप पोस्ट मिलते थे, ठीक है, लैंप पोस्ट, जिससे हमें ये पता चला कि लैंप पोस्ट से हमें ये पता चला कि इनके पास उस टाइम में भी स्ट्रीट लाइट्स की जो फैसिलिटी थी उसको मद्देनजर रखा गया था. लैंप पोस्ट मिलते थे जो कि आज के ज़माने के हमारे लिए स्ट्रीट लाइट्स हैं. उस जमाने में तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, नई लाइट था, तो लैंप पोस्ट मिलते थे, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स. फिर आज के ज़माने में जो लोग नहीं करते हैं वो क्या है, डस्टबिन का यूज़ उस ज़माने में हुआ करता था. उस जमाने में हर एक रोड पे, हर एक साइड पे डस्टबिन हुआ करती थी और लोग इतने समझदार थे, उनके दिमाग में हाई सेंस था सैनिटेशन के लिए, हाई सेंस था क्लीनिनेस के लिए. इन्होंने कुछ ना कुछ पे ध्यान दो, मतलब किसी चीज़ पे ध्यान दो या ना दो, इन्होंने अपने साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, वैसे ही जैसे कि वेस्टर्न लोग करते थे जो कि थे यूएस यूके वाले. तो इन्होंने डस्टबिन का इस्तेमाल किया, इनके पास स्वीपर्स हुआ करते थे, स्वीपर्स यानी पोछा लगाने वाले, ठीक है, जो कि साफ सफाई करते थे, और रोड्स के ऊपर बिल्डिंग्स नहीं बनानी थी, इन्होंने इस बात का ध्यान दिया था, ठीक है, जिसके कारण इनका जो सिटी था, इनका जो टाउन बना था वो बहुत ज़्यादा ही सिविलाइज्ड, बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग, सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, ठीक है. इसलिए बोलते हैं इन, ये जो थे ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, मतलब उस ज़माने में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा इंजीनियर्स ना होने के बावजूद भी इन्होंने इतना दिमाग लगाया कि भैया रोड ऐसे हो कि हवा आए तो हवा भी यूज़ हो, हवा आ रही है तो ऐसा ना हो जाए, हवा का भी कुछ इस्तेमाल हो. हवा का इस्तेमाल किस में होता था, सड़क पर फैली जो भी गंदगी है उसे बहा ले जाने में. इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छा रखा, जिसके कारण आज भी इनका नाम लिया जाता है, राइट, कि इनसे सीखो, इनसे सीखना चाहिए. ओके, सो यहाँ तक की बात ठीक है. अब बात करते हैं कि इनके आर्ट्स और स्क्रप्चर्स से हमें क्या क्या पता चला इनके बारे में. ओके, बात करते हैं कि इनका जो आर्किटेक्चर था और जो बिल्डिंग्स थी वो तीन चीज़ों, मतलब तीन हिस्सों में डिवाइडेड थे. पहले ड्वेलिंग हाउसेस, दूसरा पब्लिक हॉल्स, फिर तीसरा था पब्लिक बाथ्स. पब्लिक बाथ के अंदर ही हमारे पास एग्जांपल आता है द ग्रेट बाथ का. पब्लिक हॉल्स के अंदर क्या आता है और ड्वेलिंग हाउसेस क्या होते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि जो ड्वेलिंग हाउसेस है ये क्या होते हैं. तो मान लो इन लोगों ने कुछ ऐसे दिमाग लगाए थे ना कि मान लो अगर बाढ़ आया तो बाढ़ क्या आता है, जब मान लो यहाँ से बाढ़ आया और अगर घर आप घर का जो घर है आपका वो यहाँ पर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बाढ़ आपके आपके घर को नुकसान देगा. तो इन्होंने क्या किया था कि मान लो बाढ़ इधर से आ रहा है तो इन्होंने थोड़ा ऊपर कर दिया था, मतलब रेस्ट प्लेटफॉर्म कर दिया था कि बाढ़ नीचे ही आएगा हम ऊपर रहेंगे, ठीक है. अब ये जो हर एक घर था, इस घर के अंदर इन्होंने वेल्स रखा, ठीक है, मतलब कुआं होना चाहिए पानी निकालने के लिए, किचन होगा अपना, मतलब एक किचन तो हर एक घर के अंदर कंपलसरी है, ठीक. फिर एक कोर्ट यार्ड था, फिर इन्होंने क्या रखा, ड्रेन्स रखे थे, मतलब हमारे घर जो है उसके अंदर ड्रेन्स हो जो कि स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होने चाहिए और वो स्ट्रीट ड्रेन मेन ड्रेन से कनेक्टेड हो, ठीक है. ड्वेलिंग हाउसेस के अंदर ये थे. और साथ ही साथ ड्वेलिंग हाउसेस के अंदर क्या था, एक अगर मान लो सिर्फ स्मॉलेस्ट वाले ड्वेलिंग हाउसेज की अगर बात करें तो वो सिर्फ वन रूम का हुआ करता था, ठीक है, सिर्फ एक रूम का. और वहीं जो लार्ज की बात करें, जो बड़े बड़े थे, वो कम से एक पैलेस जैसे होता था, ठीक है. यहाँ पर भी सिस्टम था, हायरार्की सिस्टम यहाँ पर भी चलता था, मतलब राजा मंत्रियों के घर वो होंगे, लेकिन ये कास्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, कास्ट के हिसाब से नहीं था, ये किसी और चीज़ के हिसाब से था जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी खोज कर रहे हैं, साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी खोज कर रहे हैं कि इनका जो सिस्टम था वो कैसे था. क्योंकि अगर इसके बारे में कैसे पता चला कि सिस्टम था, क्योंकि देखो हो सकता है ना कि पैलेस किसी और का भी हो, जरूरी नहीं कि राजा का ही पैलेस होगा, ठीक है. वो हमें स्मॉलेस्ट रूम, जो स्मॉलेस्ट होगा तो वो सिर्फ एक ही रूम का मिलता था, मतलब हायरार्की सिस्टम यहाँ पर भी था, कुछ नीचे फिर ऊपर फिर और ऊपर ऐसे करके चलता था. फिर बात करते हैं पब्लिक हॉल्स. पब्लिक हॉल्स के जो मेन मोटिव थे वो क्या थे कि मान लो बिजनेस हो रहा है, ठीक है, तो बिजनेस मीटिंग के लिए किसी के घर में तो नहीं घुसेंगे ना, तो बिजनेस मीट्स वगैरह के लिए पब्लिक हॉल्स को लाया गया. इसके भी दो एग्जांपल्स हैं, दो बड़े बड़े से नाम हैं. पहला है ग्रेनरीज किसके लिए रखा गया है, ग्रेन्स के लिए. मतलब हमने ये देखा कि इनके पास दो रोज थे, ठीक है, रोज समझते हो ना, दो रोज के अंदर छह हमें ग्रेनरीज मिली, मतलब और हर एक ग्रेनरी जो थी वो शायद जो हर एक ग्रेनरी थी वो 45.17 मीटर लंबी और 25. समथिंग मीटर चौड़ी हुआ करती थी. इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज ताकि उसके अंदर ग्रेन्स रखा जा सके वो इनके पास था पब्लिक हॉल्स के अंदर, ठीक है. और पब्लिक हॉल्स का मेन मोटिव ये था कि बिजनेस मीट हो सके. फिर पब्लिक बाथ की बात करें तो पब्लिक बाथ के अंदर हमारे पास आता है द ग्रेट बाथ, ठीक है, द ग्रेट बाथ. इस ग्रेट बाथ
को अगर आपको देखना है तो मोहनजोदड़ो मूवी देख लेना, अगर उतना टाइम नहीं है तो गूगल पर सर्च करना आपको मिल जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पूछा जा सकता है, ये 55 मीटर लंबा था और 35 मीटर चौड़ा था, ठीक है, बाहर से, और बाहर से इसके ऊपर मतलब ऐसे करके था, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही था ऐसा, ठीक है, सराउंडेड था, बिल्डिंग्स वगैरह थे लंबे लंबे। उसके अंदर ये कुछ 12 मीटर लंबा चौड़ा कुछ ऐसा था, 12.5 मीटर लंबा और शायद 12 मीटर लंबा, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और कम से कम 2 मीटर या फिर 2.5 मीटर तक वो गहरा था, ठीक है, ये द ग्रेट बात, ओके। और इनके जो वॉल्स हुआ करते थे, ठीक है, इनके जो वॉल्स या फिर कह लो इनकी जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी ना, ये स्टोन्स से नहीं बने होते थे, मतलब पत्थरों से, वो पत्थर मतलब वो पत्थर स्टोन्स, ठीक है, उनसे घर नहीं बना होता। इनका जो घर बना होता था वो लाइम से बना होता था, ठीक है, जिप्सम से बना होता था और साथ ही साथ ब्रिक्स से बना हुआ करता था, ठीक है। सो यहाँ तक की बात है आर्किटेक्चर और बिल्डिंग के बारे में। ड्वेलिंग हाउसेस हमने देख लिए, हरे हाउसेस के अंदर एक तो वो फ्लड से बचाए रखने के लिए बनाए जाते थोड़े से ऊपर, ठीक है, इन्हीं के साथ साथ इसके अंदर वेल्स, किचन, काउटयार्ड, ड्रेन्स, ये सब हुआ करता था, ठीक है। और छोटा वाला घर एक रूम का बराबर और बड़ा वाला एक महल जैसा, ठीक है। पब्लिक हॉल्स की बात करें तो बिजनेस मीट वगैरह के लिए होते थे, इसके अंदर ग्रेन्स रखने के लिए भी जगह मौजूद थी जिसे बोलते ग्रेनरीज, जो कि बहुत बड़ी होती थी, जैसा कि आप देख सकते हैं 45 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें ये पाया गया कि 2 रोज थे जिसके अंदर 6-6 ग्रेनरीज हुआ करते थे, मतलब इतना ज़्यादा अनाज उगता था, ठीक है, रखने के लिए होना चाहिए। पब्लिक बात की बात है, सबसे बड़े बात जो सबसे बड़ी बात है वो है द ग्रेट बाथ, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा था। कितना बड़ा? 55 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा, बिल्डिंग से मतलब साइड से वॉल्स सराउंडेड, और साथ ही साथ ये स्विमिंग पूल टाइप का था, ठीक है, ये बेसिकली द ग्रेट बाथ क्या था, स्विमिंग पूल टाइप का था। तो जो स्विमिंग पूल था ये वाला, ये 12 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गढ़ा और 7 मीटर सॉरी 12 मीटर लंबा, 2 मीटर गड्ढा और 7 मीटर चौड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर्ट और स्कल्पचर के बारे में बात करते हुए, बात करते हैं इनके जो आर्ट्स थे वो कैसे कैसे थे। तो पहले आर्ट ऑफ स्कल्पचर देखेंगे, फिर कार्विंग देखेंगे, फिर पोट्री का आर्ट देखेंगे, फिर सॉरी पोटेरी का आर्ट, पॉटरी का आर्ट देखेंगे और उसके बाद पेंटिंग की आर्ट देखेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और 3-4 टॉपिक्स हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट, ओके। सबसे पहले बताते स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स कहती थी तो मेजर अभी तक तो आपके सिलेबस में मतलब बुक में आपको बस 3 दिखाए गए। पहला तो ये ब्रॉन्ज फिगर एक था डांसिंग गर्ल का, कहा जाता है ब्रॉन्ज फिगर किसका था भाई, डांसिंग गर्ल का था, डांसिंग गर्ल का फिगर था। इसमें दिखा गया कि जो डांसिंग गर्ल है वो अपने हिप के ऊपर हाथ रख कैसे करके खड़ी है, उसने ऑर्नामेंट्स पहने, उसने कपड़े पहने, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बहुत अहम बात थे। फिर स्टोन फिगर था एक शॉवल क्लैड योगी का, हमें कैसे पता वो योगी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें ऐसे बंद करके रखी थी और क्वेश्चन की आंखें ऐसी थी, मतलब बंद होने के बाद हमारी आंखें ऐसे वैसी थी, और उसके उन्होंने एक एम्बॉडेड कुछ शॉल टाइप का पहना था, जिससे हमें ये पता चला कि उस ज़माने में लोगों को कला कृतियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है, एम्बॉडिंग वगैरह में इंटरेस्ट था, ठीक है। फिर डांसर का था एक ऐसा, मतलब जितने भी लोग जो कथक वगैरह करते होंगे तो उनके पास एक कुछ मूर्ति टाइप की होगी जिसके अंदर कुछ ऐसे करके होता है, आई डोंट नो, वो वाली चीज़ें भी इन यहाँ पर पाई गई थी, ठीक है। फिर आर्ट ऑफ कार्विंग में बात करें तो हमें हम्ड बुल्स दिखे, ड्राइंग मतलब ड्राइंग नहीं ऑब्वियसली, कुछ क्ले टाइप से जो पेंटिंग नहीं स्कल्पचर्स थे वो हमें दिखे थे, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि इन्हें ड्राइंग्स जो चीज़ें दिख रही हैं उन सबको बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हमें पता चला कि इन्होंने हम्ड बुल्स बनाए थे, बफेलोस बनाए थे, डेयर बनाए थे, टाइगर बनाए थे। उसके बाद हमें पता चला कि कुछ एविडेंसेस मिले कि इन्होंने पॉटरी का भी शौक था, ठीक है, क्यों, और पॉटरी कैसे भी थे तो पॉटरी प्लेन हुआ करते थे, कलर्ड हुआ करते थे, ग्लेस्ड हुआ करते थे, और ऑरिजिनल ये फेमस इसीलिए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्लेस्ड थे, ग्लेस्ड यानी चमकीले थे, चमकते थे, इनके बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइन हुआ करते। एक पॉट अगर आप देखेंगे तो बहुत कोई कोई पॉट बहुत सुंदर होता है, कोई कोई बहुत सिंपल होता है, तो इनके जो पॉट्स हुआ बहुत सिंपल नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कुछ प्लेन भी हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा रिच डिज़ाइन, जो डिज़ाइन वालों में बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हुआ करते थे, कलरफुल भी हुआ करते थे। और साथ ही साथ हमें ये पता चला कि ये जो व्हील्स होते हैं ना, व्हील्स मतलब समझते हो ना, जैसे कोई कार्ट होता है तो कार्ट का जो चक्का होता है उसको बोलते हैं व्हील, तो उसको घुमा घुमा कर उसके ऊपर बनाया जाता था, ये भी हमें पता चला, ठीक है। फिर पेंटिंग्स की बात करें तो ये मैन की बनाते थे, एनिमल्स की बनाते थे, जो भी चीज़ दिखते थे उसकी बनाते थे। एक बहुत फेमस पेंटिंग है कि एक क्रो था, ठीक है, क्रो हमने नाम दिया, बट कुछ ऐसा पंछी था जो कि क्रो जैसा दिखता था, तो हमने उसे बोला कि अब हमें नहीं पता उस जमाने में कौन से पंछी हुआ करते थे, बट हमने नाम बोला मानो एक कौवा है, ठीक है। तो एक ऐसी पेंटिंग थी जिसके कौवे के जो फिश है मतलब मुंह के अंदर फिश बैठी थी, ठीक है, और ये जो कौवा है वो एक पेड़ पे बैठा था, मतलब फिश पकड़ के वो कौवा अपने पेड़ पे बैठा है और इस पेड़ के नीचे एक फॉक्स खड़ा था, ठीक है, फॉक्स बैठा था मुंह खोलकर इस उम्मीद में कि उस कौवे के मुंह से फिश गिरेगी और उसे मैं पकड़ लूँगा। तो ये
पेंटिंग बनाई गई थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। बात करते हैं कि क्या आपको लगता है कि उस ज़माने में भी लोग रिलीजन्स के ऊपर मानते थे? तो बात है कि ये मंदिरों में नहीं जानते, मतलब आपने सुना होगा कि उस ज़माने में मंदिरें नहीं हुआ करती थी। अच्छी बात है, मतलब अच्छी नहीं सच्ची बात है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस ज़माने में रिलीजन नहीं था। उस ज़माने में रिलीजन था, और कौन सा रिलीजन था उसके बारे में चलिए बात करते हैं। रिलीजन के बारे में तो जाहिर सी बात है कि हमें इतना पता है कि उस ज़माने में मंदिरें तो नहीं हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका कुछ विश्वास नहीं था। इन्हें विश्वास था। हमें पता चला कि सबसे पहले तो एक इन लोगों की गॉडेस हुआ करती थी, ठीक है, शायद अभी भी हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग मदर गॉडेस, ठीक है, जिनका नाम दिया गया है शक्ति। इनकी पूजा वो लोग करते थे, शक्ति माँ शक्ति की पूजा करते थे। और इन शक्ति को शक्ति के लिए, मतलब मदर गॉडेस के लिए, हमें ये भी देखा गया पेंटिंग्स के थ्रू में पता चला कि ये लोग गोट्स का बलि देते थे, ठीक है, गोट्स को सैक्रिफाइस करते थे। और एक ऐसी पेंटिंग थी जिसके अंदर था कि एक पीपल का पेड़ है, ठीक है, और पीपल के पेड़ के ऊपर शक्ति बैठी हुई है, ठीक है, और इनके सामने इंसान एक गोट को बलि दे रहे हैं, मतलब सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। सो गोट की बलि दे देते थे शक्ति माता, और इसकी वजह से ही ये लोग क्या करते थे, पीपल के पेड़ को भी पूजते थे, पीपल ट्री की भी वर्शिप हुआ करती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि उस पेंटिंग के अंदर पीपल के पेड़ के ऊपर कौन बैठा है, शक्ति, मतलब मदर गॉडेस, इस वजह से। और इन लोग पीपल के पेड़ को भी पूजते थे, और साथ ही साथ हमारे पास हमें ये पता चला कि एक शिवा थे जो कि मेल के अंदर डोमिनेंट थे, मतलब प्रोमिनेंट थे मेल के अंदर, और वहाँ पर फीमेल के लिए वो मदर मदर गॉडेस को पूजते थे, और मेल के केस में शिवा, तो उन्हें बोलते हैं शिवा पशुपति, शिवा पशुपति। मतलब उस जमाने में भले मंदिर ना हो पर उनकी आस्था थी, वो लोग शक्ति और शिव दोनों को पूजते थे। और शिव जो शिवा पशुपति हैं, इनको वो एक तो ऐसे आइडियल रूप में भी पूजते ही थे, और साथ ही साथ इन्हें लिंग के रूप में भी पूजा जाता था, ठीक है, लिंग के रूप में भी, और साथ ही साथ योनि रूप में भी पूजा जाता था, ठीक है, ओके। तो ये थी इनकी रिलीजन की बात। अब देखते हैं कि ये ट्रेड्स करते थे कि नहीं, ठीक है। ये ट्रेड्स ईस्टर्न, साउदर्न, वेस्टर्न, इंडियन, मतलब एशिया, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो चाहे वो वेस्टर्न एशिया हो, वहाँ पे भी ट्रेड्स होते थे। और ट्रेड्स किस किस चीज़ों के करते थे? तो प्रीशियस स्टोन्स की, प्रीशियस स्टोन्स की ट्रेडिंग चलती थी, ठीक है। कहाँ से? तो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सेंट्रल हो, वेस्टर्न हो, ईस्ट और ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न, इंडिया के अंदर ट्रेड हुआ था, मतलब कश्मीर वगैरह इस टाइप का इलाका, ठीक है, क्योंकि इंडस वैली वो पाकिस्तान वाली इलाके में इलाके में ही शुरू हुआ था। और वहीं सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में भी इनका ट्रेडिंग हुआ करता था। और एक और जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं समर, ठीक है, जो समर था वो मेसोपोटामिया की जगह पे मौजूद हुआ करता था। वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ पे भी ट्रेडिंग होती थी, कैसे कैसे, कि वहाँ पे हमें बुल और साथ ही साथ इंडस के स्क्रिप्चर्स पाए गए थे, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। सो जो समर है वहाँ पर भी ट्रेडिंग हुआ करती थी। और किस किस चीज़ की? प्रेशियस स्टोन्स की, आर्टिकल्स की, बुल्स की, इंडस स्क्रिप्चर्स की, इन सब की ट्रेडिंग हुआ करती थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका आखिर में डिक्लाइन हुआ कैसे। तो कहा जाता है कि इनका जो डिक्लाइन था वो आर्यंस के अराइवल की वजह से हुआ। आर्यन जैसे ही आए वैसे इनका क्या बोलते हैं, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। बोला जाता है कि आर्यंस ने इनके ऊपर अटैक किया, बट ऐसे सिर्फ बोला जाता है, असली का क्या है वो किसी को पता है नहीं, ठीक है, क्योंकि बताने वाला कोई है नहीं। कहा जाता है कि हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से इनका खत्म, मतलब इनका सर्वनाश हो गया हो, या फिर फ्लड आ गया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से इन सबका इनका ये जो सिविलाइजेशन थी वो एकदम ख़त्म हो गई। लेकिन मेन जो रीज़न है वो अभी तक किसी को पता है नहीं। बोला जाता है आर्यंस ने अटैक कर दिया, बोला जाता है कि शायद ब्लड सॉरी फ्लड आ गया, या फिर कहा जाता है कि ड्राउट आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा जिसके कारण ये इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई। आखिर में हमें ये पता चला कि जो लोग थे हरप्पन के जो लोग थे बहुत ज़्यादा पीस लविंग थे, शांतिपूर्वक थे, शांति प्रिय थे, अच्छे खासा टाउन मैनेजमेंट करते थे, बहुत बड़े बड़े टाउन्स इन्होंने क्रिएट किए, राइट। आपने सबने देखा इनका ग्रेट बाथ था जो कि अभी तक पाया जाता है। और दो इंपॉर्टेंट बात, इनसे 1921 के अंदर कौन खोजा था सबसे पहले हरप्पा को, आपकी बुक के अंदर जो लिखा है आप अपने एक बार टीचर से पूछ लेना कि मैम कहानी तो असली ये है, आपने मतलब बुक तो ये लिखवाती है, हम एग्ज़ाम में आएगा तो क्या लिखेंगे। तो वैसे भी आपका स्कूल लेवल तक एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप जो बुक में लिखा है वो लिख लो, या फिर एक बार अपने टीचर से पूछ लेना कि आपको राम शाहिनी लिखना है या फिर आपको
सर जॉन मार्शल लिखना, ठीक है। सो इसी के साथ चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आखिर में हमें पता चला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी जिसका सर्वनाश कैसे आज तक किसी को पता है नहीं। और एक और बात आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट है कि हमें कैसे वीडियोस बनानी है, पहले एक बार बायो कंप्लीट करवा दें या फिर हिस्ट्री कंप्लीट करवा दें या फिर सिविक्स कंप्लीट करवा दें या फिर सबको एक साथ लेकर चले, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबको एक साथ, मैथ्स तो नहीं मतलब मैथ्स अभी फिलहाल नहीं, कुछ दिनों मतलब कुछ लेक्चर्स के बाद, और कंप्यूटर भी आएंगे। तो मुझे बस एक बार कमेंट, अगर आप अभी तक बने रहे तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसे चाहिए। एक बार एक उठाएं और सबको ख़त्म कर जलें या फिर दो चैप्टर्स का। सो आई होप आपने वीडियोस एंजॉय किए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।